एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेचिस यानी डिसेंट्री के बारे में। पेचिस जो है यह अशुद्ध वायु से फैलने वाला रोग है। इसके पहले भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टाइफाइड, और उसके पहले वीडियो में देखा था हैजा के बारे में। अशुद्ध रोग से फैलने वाले रोगों के पूरे नाम देखे थे और उन सभी हैजा और यानी कॉलरा और टाइफाइड के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्री के बारे में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको होम साइंस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्लास सिक्स से लेकर के ऊपर जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, टेंथ के बच्चे, ट्वेल्थ के बच्चे और जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरे वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेचिस नामक रोग जीवाणुओं एवं प्रजीवाणुओं यानी प्रोटोजोन्स दोनों से ही उत्पन्न होता है। यह बैक्टीरिया से भी होता है और प्रोटोजोन से भी होता है, दोनों से होता है। जीवाणु बैसिलस द्वारा होने वाली पेचिस को बैसिलरी पेचिस कहते हैं। जो बैसिलस द्वारा होता है उसको बैसिलरी पेचिस कहते हैं, और जो प्रोटोजोन्स एंट हिस्टोलिटिका द्वारा होता है उसको बोलते हैं अमीबायोसिस। ठीक है, अमीबायोसिस जो एंट हिस्टोलिटिका से द्वारा होता है। इसका उद्भवन काल जो होता है वो एक से दो दिन तक होता है। इस रोग के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, जैसे पहला कारण है दूषित जल में, जैसे नदी, तालाब एवं नलकूप, कुएं आदि, प्रायः जीवाणु और इन सब में जीवाणु और प्रजीवाणु दोनों पाए जाते हैं। अतः एक यह जल समाहित रोग है। दूषित जल में, जैसे ये सब नदी, तालाब, इन सब चीजों में, इन सब जगहों पे जो भी जल होता है वो अधिकांशतः क्या होता है, उसमें जीवाणु और प्रजीवाणु दोनों पाए जाते हैं। और अगर इनको यूज करते हैं, दूषित जल को, इन जगह में जो भी दूषित जल है, साफ नहीं है, उसको यूज करते हैं तो आपको पेचिस होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा कारण है मक्खियां इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं तथा पेयजल एवं खाद्य पदार्थ तक रोगाणुओं को पहुंचाती हैं। जो मक्खियां होती हैं वो किसका कार्य करती हैं? वाहक का कार्य करती हैं। यह पेयजल और खाद्य पदार्थ तक रोगाणुओं को पहुंचाती हैं। यानी अगर मक्खियां गंदी जगह पर बैठती हैं, उनके जो पंख होते हैं, पैर होते हैं, उनमें पेचिस के जो भी बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, वो उनके पैर में लग जाते हैं और वही मक्खियां उठ करके वहां से जा करके खाद्य पदार्थों में बैठ जाती हैं। तो जो भी रोगाणु होते हैं उन खाद्य पदार्थों में पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से अन्य लोग जो होते हैं वो भी उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगला कारण है रोगी के मल मूत्र व अन्य प्रकार की गंदगी इस रोग को व्यापक स्तर पर फैलाने में पर्याप्त योगदान देती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? संक्रमण के एक दो दिन बाद ही रोगी को निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे पहला है पेट में बार बार पीड़ादायक ऐंठन होती है, बार बार दस्त आते हैं तथा कुछ दिनों तक दस्त के साथ श्लेष्मा अथवा आव अथवा रक्त भी आने लगता है। जब बहुत अधिक टाइम का हो जाता है पेचिस रोग तो वो उसमें ब्लड भी आने लगता है। रोगी को कभी कभी ज्वर भी रहता है, और जब ये प्रजीवाणु जो होते हैं वो आंतों में जब बहुत टाइम तक रहता है तो आंतों की जो झिल्ली होती है उनमें ये घाव कर देते हैं। प्रजीवाणु प्राय यकृत तथा झिल्ली को भी कुप्रभावित करते हैं, यानी इनका असर जो होता है वो लीवर पे और आंतों में भी पड़ता है। पेचिस रोग के उपचार एवं बचने के उपाय। पहला उपचार क्या है? रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। दूसरा है पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नदी, तालाबों तथा कुओं के जल में समय समय पर पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर डलाना चाहिए। समझ रहे होंगे आप। थर्ड पॉइंट है रोगी एवं अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को जल उबाल कर पीना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है वो भी, और जो घर में अन्य स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी जल को उबाल कर पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेय एवं खाद्य सामग्रियों को मक्खियों से सुरक्षित रखना चाहिए। गलियों एवं सड़कों की स्वच्छता के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर नगर पालिका अथवा स्वास्थ्य विभाग को सूचित भी करना चाहिए, जिससे कि जो आसपास का हमारी कम्युनिटी है वो साफ सुथरी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है औषधियों का सेवन किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श के अनुसार
पूर्णतया रोग मुक्त होने तक कराना चाहिए, यानी जब तक पूरी तरीके से ठीक न हो जाए योग्य चिकित्सक से रोगी की मतलब रोगी का उपचार कराते रहना चाहिए। जो भी सजेशन मिले, परामर्श मिले, उसका उसका मतलब रोगी के लिए उसका जो भी औषधियां दी जाए उसका सेवन करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।